ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर शिमला में हल्ला बोला गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का धरना जारी, इसे लेकर बिजली बोर्ड के मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बयान दिया, कहा कि हम मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली बोर्ड में बहाल नहीं हुई है ओल्ड पेंशन योजना। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर इसे लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो शाम को आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार होगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने बड़ी चेतावनी दी है। ओल्ड पेंशन लागू करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की तरफ से, और उन्होंने कहा कि अगर अधिसूचना जल्द जारी नहीं हुई तो इस बारे में शाम को रणनीति बनाई जाएगी। पानी लेकर के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का प्रदर्शन है। हम आपको कहना चाहेंगे, स्टेट में जो जितने कर भी कॉरपोरेशन है, जहां आपका सीसीएस पेंशन रूल 172 है और ओल्ड पेंशन है, वहां सभी महकमे में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। वो आपका एचआरटीसी हो, वो आपका एमसी हो, एजुकेशन बोर्ड हो, ये महकमे ऐसे महकमे जहाँ पुरानी पेंशन 1995 में लागू हुई है, लेकिन बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन 1972 से है। वो सभी महकमे में पेंशन मिल गई है जो 1995 के बाद जहाँ जहाँ पुरानी पेंशन हुई है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभी उससे महफूज है। इसी करके कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इसी मांग को लेकर के यहाँ कुमार हाउस के प्रांगण में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के साथ आज जो बिजली बोर्ड में लगभग हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं या कुछ भर्तियाँ जो आपके पेंडिंग है, जो अभी भर्तियाँ होनी है, उन तमाम को देखते हुए लगभग 10,000 कर्मचारी से यहाँ बेनिफिशरीज हैं जो ओपीएस को लेकर के मांग कर रहे हैं, जो इससे बेनिफिट होना है। तो बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिमला में। इन्होंने पूरी तरह से हल्ला बोला है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। हल्ला बोल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इनका कहना है कि अगर जल्द अधिसूचना जारी नहीं हुई तो शाम को ये बड़ी हिकमत अमली, बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। बड़ा अपडेट दे रहा तस्वीरें शिमला से आपके टीवी स्क्रीन पर है। अधिसूचना अगर जारी नहीं हुई तो बड़ी चेतावनी दी है बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने। शाम को आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार होने की बात की। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ। प्रदीप, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को शिमला से, बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने में शामिल हुए हैं। एक तरह से हल्ला बोल दिया है कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। दिक्कत कहाँ रही है प्रदीप, इन्हें क्या शिकायत है, क्या इस महकमे में अभी तक इसे लेकर कोई चर्चा, कोई सरगर्मी हुई नहीं है? बिल्कुल मुमताज, देखिए हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया था जब सत्ता संभाली थी, उसके बाद जब पहली कैबिनेट हुई थी, और उसके बाद जो बाकी राज्य सरकार के उपक्रम हैं उसमें बोर्ड भी हैं, निगम भी हैं और उसमें एमसी भी हैं, तो इन तमाम जो इस तरह के उपक्रम हैं, बाकी जो संस्थाएं हैं, उनको लेकर भी दिशा निर्देश जारी हुए थे कि वहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होनी है। हालांकि सिलसिलेवार कुछ एक बोर्ड निगमों में पेंशन को बहाल किया गया है, जिसमें स्कूल शिक्षा बोर्ड भी शामिल है, साथ ही जो एमसी के इम्प्लॉइज हैं और उनके साथ साथ अभी हाल ही में जो एचआरटीसी के कर्मचारी हैं उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जा चुकी है, लेकिन जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनके लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है और अभी भी उनका एनपीएस का अनुष्ठान कट रहा है। इसी की नाराजगी है बिजली बोर्ड कर्मचारियों को। और आज शिमला में जो कुमार हाउस है, इनका प्रदेश का मुख्यालय है, वहां पर बड़ा धरना इस वक्त चल रहा है। सुबह 11:30 बजे इसकी शुरुआत हुई थी, 2:30 बजे तक ये विशाल धरना चलेगा और इनकी सीधी सीधी मांग यही है कि आज ही अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए पुरानी पेंशन बहाली की, और उसके साथ साथ अगर आज ये बहाल नहीं होती है तो ये धरना आगे कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर आज शाम तक चर्चा की जाएगी। क्योंकि जो बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन है उसका साथ इस वक्त जो प्रदेश की इंजीनियर एसोसिएशन है बिजली बोर्ड की ही, वो भी दे रहे हैं, बाकी भी जो कर्मचारी हैं वो भी दे रहे हैं, और ये कुल मिलाकर 6,000 से ज्यादा लगभग जो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का अपना आंकड़ा है, उनकी तरफ से कहा गया कि हम 9 से 10,000 है कुल मिलाकर,
लेकिन ये जानकारी है कि 6000 से ज्यादा के करीब ये कर्मचारी हैं और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है अभी तक मिली नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला में जब वो हैदराबाद जा रहे थे तो उन्होंने जरूर कहा कि हम पुरानी पेंशन इनको बहाल करते हैं और इसकी घोषणा बाकायदा की थी, लेकिन इस घोषणा को जो यहाँ पर बिजली बोर्ड के कर्मचारी है उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पहले भी हो चुकी है, अब हमें केवल नोटिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या आज कोई बात बनती है या फिर ये जो धरना प्रदर्शन है वो आगे बढ़ता है। हम देख रहे हैं कि जो बिजली बोर्ड का जो मुख्यालय है कुमार हाउस, वहां पर बड़ी संख्या में कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरा का पूरा कुमार हाउस भरा हुआ है। विधानसभा से लेकर कुमार हाउस तक बड़ी संख्या में सुबह के समय कर्मचारी वहां पर पहुंच रहे थे नारेबाजी करते हुए कि हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि इस पर राज्य सरकार क्या फैसला करती है। जी तो प्रदीप, जब अगर आज ही नोटिफिकेशन ना मिलने की सूरत में ये बड़ी चेतावनी जो दी गई है बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की तरफ से, उस सूरत में ये क्या रणनीति बना सकते हैं, किस तरह के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जो बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महासचिव है हीरालाल वर्मा, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि आज 2:30 बजे तक धरना प्रदर्शन रहेगा, उसके बाद हम सभी जो यूनियन हैं उसमें इंप्लॉयज यूनियन भी है, इंजीनियर्स यूनियन भी है, बाकी भी जो बिजली बोर्ड से जुड़ी यूनियन है वो यहाँ पर मीटिंग करेगी और उसके बाद अगर शाम तक कोई फैसला राज्य सरकार नहीं करती है यानी नोटिफिकेशन नहीं जारी होती है तो उस सूरत में आगे कैसे धरने को बढ़ाना है, राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करना है या फिर पेन डाउन स्ट्राइक जैसा कोई कदम उठाना है, ये निकट भविष्य में इसको लेकर तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि आज आंदोलन शुरू हुआ है तो इसको लगातार आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कल को लेकर भी रणनीति बन सकती है कि कल कैसे धरना करना है, क्योंकि शिमला में पूरे हिमाचल से इस वक्त बिजली बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें, काजा कल्पा का जो दूर दराज के एरिया है, कुल्लू मंडी के एरिया है, ऊना का क्षेत्र है, तो सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर इस वक्त एक तरह से आंदोलन खड़ा हुआ है, संख्या बल यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो कोशिश अब यूनियन की यही रहेगी कि इस संख्या बल के दम पर सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। हालांकि इनका ये तर्क था कि हमें इस बात की उम्मीद थी कि 20 तारीख को जो सर्विस कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें इस मसले को लाया जाएगा, लेकिन वो एजेंडे में ही नहीं लाया गया था ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो उससे इनकी नाराजगी ज्यादा बढ़ी थी और बार बार ये बयानबाजी भी राज्य सरकार के जो नुमाइंदे वो कर रहे थे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो अब बिजली बोर्ड में बहाल की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखते हैं इस बड़े मामले में क्या होगा प्रदीप, आखिर कौन सी हिकमत अमली, कौन सी रणनीति पर काम करेंगे अब बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के लोग। बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।